मसला एक हो गया बेचारे से, गाली लग गई है। अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे हंसी भी आ रही है साथ साथ तुम्हारी हरकतों पे। आज की अच्छी बात कह लो या अच्छी एडवाइस कह लो, कुछ भी कह लो, वो यही है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out. आज के लोग इस तरह के, हम लोग जा रहे हैं, एक इवेंट चल रहा है, ल्यूमिनस नाम से है इवेंट, लाइटनिंग इवेंट है एक, तो हम वहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ जाना है, वो आने वाला रास्ते में, तो बस हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ चल के फिर दिखाते हैं। ये कैमरा नोट कर रहा है तू। हम लोग यहाँ पे हैं, इवेंट का नाम क्या है, ल्यूमिनस फेस्टिवल इवेंट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ लाइटिंग शो हो रहा है, बहुत ही मजे का माहौल बनाया उन्होंने यहाँ पे, लाइटिंग बिल्कुल डिम है और कैमरे में इतना नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ही कोई मजे की लाइटिंग की है उन्होंने, ठीक है। डिफरेंट जो है गेम्स भी हैं यहाँ पे, कुछ अभी डीजे का भी कुछ सीन है यहाँ पे, तो हम लोग आए देखने के लिए। बाकी आप लोगों को वीडियोज बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पीछे नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। मैं आगे जाके मजीद देखते हैं, हम लोग पीछे हटो यार, आगे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। पीछे हटो ना यार, ट्रेन खराब कर रहे हैं। मजालिस बंदे की नज़रें कहीं एक जगह पे रुकी हैं, लाइटें हैं ना हर जगह पे। इधर forgetting about their problems and having some fun, and that's what I want to do for the rest of my life.
इसको दिखाओ, ये साहब ये बच्चों को देखे। Love music or what? Yeah. Let's get the party started! देख लिया है, लाइटनिंग शो अच्छा था काफी। रेसिंग बाइक जा रही है पीछे से, जाएंगे वापस घर को। ओए ओए खोलो खुद ही बंद हो गई है धोखे वाले, तुम्हें पता नहीं वो कहाँ आ रहे हैं नीचे पार्किंग में। फिर रुकिए, पे कर दिया तुमने? वो गाड़ी खड़ी है बाजू उधर, बाय। इधर टिकट पे करेंगे, कभी तो खुद दे दिया करो, कभी तो खुद दे दिया करो, लगाओ पे करके। ये गाड़ी खड़ी है जी, और कोई भी नहीं है इधर पार्किंग में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। खोलो इसको, A few moments later. मसला एक हो गया, बेचारे से गाड़ी लग गई है। मेट्रो जाते
सही पागल है बंदा, पागल पत्नी है, पागल है वो। नहीं कुछ भी नहीं है उसका भी, तुम बात करते ना, देखा थोड़ी बात की चुप हुआ थोड़ा, वो तुम्हें लगा रहा था। हल्ली वाली करो, हल्ली वाली नहीं करो, उनका सुनाओ उनको, क्या इतना भी कुछ हुआ नहीं है। खैर गाड़ी लग गई है, थोड़ी सी भाई साहब का ध्यान था इधर उधर, इधर उधर किधर था ये तो मैं नहीं बता सकता किधर था। तो खैर कोई नहीं, बचत होगी अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या प्रोसीजर, तेरा कोई सीन नहीं है, तू कर जाके सो जा। पर देखो तुम्हारा कोई सीन नहीं है, इसके बाद क्या आता है, मैं किधर जाऊं, मैं तुम बताता हूं ना, ये अब वो जाएगा इंश्योरेंस, उसके पैसे कट जाएंगे बस। देखो अगर देखो गाड़ी अगर आपकी लग गई, एक्सीडेंट हो गई है, तो फौरन से आपने ये नहीं कहना सॉरी मेरी गलती है, ऐसे नहीं बोलना कभी भी आपने, तो मेरी गलती है, ठीक है आपकी, नहीं 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 आपकी गलती है ठीक है, लेकिन अगले को ऐसे नहीं कहना कि हाँ सॉरी मेरी गलती है, लेकिन पहले उससे बात करो, तो पहले बात करो उनके, उस बंदे की ना थोड़ी मेंटेलिटी समझो, बात समझ आ रही तुम्हें, देखा नहीं तुमने गलती मानी हो, कैसे शोखा हो रहा था आगे से, हाँ मेरी गलती है, पता नहीं क्या फर्स्ट में तुमने उसको बोला है, तो पहले ऐसे नहीं करते, पहले उसकी मेंटालिटी समझो, बात करो एक दूसरे के साथ, फिर उसके बाद जाके ना आप बोलो ठीक है हाँ मेरी गलती है कोई बात नहीं, फौरन से नहीं एडमिट करो, सर पे चढ़ जाते हैं लोग, मुझे पता ना इस कॉम का, मुझे पता पठान था वो भी, ये देखिए ये जगह से नहीं हिला, वही इतनी जोर का झटके लगे गाड़ी को, लेकिन ये जगह से नहीं हिला, ये सीधा नहीं था, सीधा होता फिर तो डायरेक्ट पूरा बम्पर ये वो प्लेट से, तेरा मुंह किधर था, किस साइड पे देख रहे थे तुम, ऐसे ही था इधर था, लेकिन क्या ये विंडो से बाहर इधर कुछ था, इधर क्या था यार, अल्लाह का शुक्र था कुछ नहीं हुआ गाड़ी, शुक्र है ठीक है, और उसका जो है ना थोड़ा सा हल्का सा पेंट टच हुआ है, टच हुआ है बस, बस दो गाड़ी को जा रहा है, दो गाड़ी को चुमी हुई हल्की सी बस, एक दूसरे को हेलो हाई किया, मुंह ठीक कर लो, चिल कर लो, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छा यार बड़े तिरछे होके आए हुए थे, उधर भी नहीं गए, आज निकलना ही नहीं चाहिए था। A few moments later. Hello. अब हमारा हो गया है था रनिंग का टाइम, घर आते आते टाइम हो गया था, फिर मैं आके बस चेंज चूंज किया, आ गया था रनिंग के लिए, रनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है, जो हमारा डेली का जो टारगेट होता है, कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया था मैं आज, तो खैर कंप्लीट हो गया, जाएंगे वापस घर, और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम लोग एंड एक अच्छी बात के साथ, आज की अच्छी बात कह लो या अच्छी एडवाइस कह लो, कुछ भी कह लो, वो यही है अपने मेंटल पीस को, अपने इनर पीस को हमेशा प्रोटेक्ट करो, ठीक है ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कभी भी लोगों के बिहेवियर से आपका इनर पीस और आपका मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, बात याद रखना, और वो इंग्लिश में एक कोट भी है बड़ा प्यारा अच्छा लगता है मुझे हमेशा, मैं कभी कभी वो मेरे माइंड में भी आ जाता है, वो कोट ये है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू विन अ वॉर, द मोर इम्पोर्टेंट इज टू ऑर्गेनाइज द पीस, मेंटली स्टेबल रहोगे तो हेल्दी रहोगे, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो जब तक आपका इनर पीस आपके साथ है। मेरा कहने का मतलब यही है कि दुनियादारी गई साइड पे, रिश्ते जितने भी आपकी लाइफ में वो एक साइड पे, आपका इनर पीस जो है ना आपका एक साइड पे होना चाहिए, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, मेरा यही है, मैं हमेशा अपने मेंटली हेल्थ को हमेशा आगे रखता हूँ और आगे रखना भी चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको कुछ नहीं देना, साफ सीधी बात, इससे पहले मेरे अंदर का बाबा जो है मजीद जागे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, बस करते हैं आज का व्लॉग एंड इसी अच्छी बात के साथ, आप लोगों को मिलेंगे एक अच्छी बेहतर वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।